सो फिर जो है इस प्रकृति में हर एक चीज़ का एक अलग महत्व है, और इसी प्रकृति की देन है कि आज जो है हम ये सारी अपनी सुविधाओं को पूरा कर पा रहे हैं। और इसी प्रकृति की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जो है हम काफ़ी समय से उपयोग में ला ही रहे हैं, और ख़ासकर जो है हमारी फ्रैग्रेंस की दुनिया में, परफ्यूम्स सुगंध की दुनिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस टॉपिक्स में जो है हम एक ऐसे परफ्यूम्स का एक रिव्यू करेंगे जिसके बारे में कभी ना कभी आपने सुना होगा और कभी ना कभी आपने यूज़ भी किया होगा। अभी के टाइम में हमारी अगरबत्ती इंडस्ट्री में एक ट्रेडिशनल नाम जो कि चल रहा है, और ये है हमारे पास वुड्स, जो कि हमारी प्रकृति की, पर्यावरण की सबसे बड़ी जो है देन है। और वुड्स मीन्स आपके दिमाग में एक ही चीज़ें जो है ख्याल में आ रही होगी, जिसे हम फॉरेस्ट वुड के नाम से भी जानते हैं। सो फिर वुड्स ट्रेडिशनल नाम भी है, और अभी के टाइम में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। पहले ज़्यादातर वुड्स में क्या चीज़ें चलती थी, हमारा जो है मैसूर सैंडल हो गया, वुड्स के कैटेगरी में आता है, केसर चंदन हो गया, सैफ्रॉन सैंडल हो गया, मतलब सैंडल ही चलती थी। अब वुड्स में ऐसी भी है कि खाली वुड्स के नाम से भी फ्रैग्रेंस आने लग गई हैं, तो इसी वुड्स के बारे में बात करेंगे। और जिस तरीके से चीज़ें मैंने बताई कि वुड्स मतलब प्राकृतिक देन, एक ऐसी खुशबू जो कि पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, और फटाफट से जो है इसका हम लोग जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो फिर कुछ इस तरीके से बॉटल्स आपको देखने को मिलेगी, 500 ग्राम की ये बॉटल है, और कुछ हमने एक यूनिक इसके ग्राफिक्स जो है रेडी किए हुए हैं, जिसमें से वुड्स फॉरेस्ट का एक ग्राफिक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। कुछ बेसिक डिटेल्स भी नीचे में आपको देखने को मिल जाएगी। फटाफट से इसके कवर को ओपन कर लेते हैं, और क्या खास इस परफ्यूम्स में आपको देखने को मिलेगी, इसके नोट्स कैसे होंगे, वो भी मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे बताते चलूँगा। इसे रखते हैं हम साइड में, यहाँ से हम इसके कैप्स को फटाक से जो है ओपन कर लेते हैं। स्मेल काफ़ी अच्छी है इसकी, कैप खोलने पर इसका स्मेल जो है आना चालू हो गया है, और यहाँ से हमारा कैप भी ओपन हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में, और यहाँ पे है भाई हमारा वुड्स। बात आगे करेंगे, जिस तरीके से सारे परफ्यूम से हमने ये टेस्ट करते आया है, तो एक छोटा बीकर ले लेते हैं, ये बीकर चल जाएगा हमारे काम के लिए, और इसमें जो है सीधा सीधा इस फ्रैग्रेंस को जो है थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इस फ्रैग्रेंस को इतना ले लिया है, इसे रखते हैं थोड़ा साइड में, और चीज़ों के बारे में यहाँ से समझना चालू करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी, और ये थोड़ा सा ब्राउनिश मैं बोलूँ, रेड कलर होगा, हल्का रेड, और मतलब एज अ ऑरेंज और रेड के जो बीच का फॉर्म होता है वो आपको इसके कलर देखने को मिलेंगे। और खुशबू तो भाई काफ़ी अलग है, यूनिक है, और ज़बरदस्त भी है। तो आगे इसकी फ्रैग्रेंस की टेस्टिंग करते हैं, कुछ स्टिक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्टिक्स रखी हुई हैं, एक वाइट भी ले लेते हैं, ब्लैक भी ले लेते हैं, और इसमें कलर वाली भी ले लेते हैं, तीन स्टिक ले ली हमने। वैसे फ़र्क कुछ नहीं है, ब्लैक का ही थोड़ा सा चीज़ें अलग रहती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीप कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये कम से कम फ्रैग्रेंस की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डीप हो चुकी है, लगभग 50% आप मान के चलो। और इसे हम रखते हैं साइड में ताकि हिलने डुलने पर गिरे ना, तो यहाँ पे हमने रख दिया साइड में। अब ये हो गया हमारा फ्रैग्रेंस। सबसे पहली तो इसका बेसिक जो मीनिंग है वो तो वुड्स मतलब जो वुड्स की खुशबू होती है, जो लकड़ियों के जो खुशबू होती हैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि ये वुडिस परफ्यूम है। वुडिस मीन्स वुड की जो खुशबू निकल के आती है उसे हम बोल देते हैं वुडिस। तो ये वुडी नोट भी है, और ये एक
यूनिक मैं फ्रेगनेंस का हूँ, किसी और किसी भी तरीके से कोई परफ्यूम से मिलता जुलता नहीं है। और इसके जो बेस है, एक आपको मसाला टोन इसमें देखने को मिलेगा। मसाला टोन मीन्स जैसे मसाला की अगरबत्तियाँ आपने जलाई होंगी कभी, हलमटी, बेस हलमटी और ऐसे कुछ, और उसमें कंपाउंड्स होते हैं जिसकी एक यूनिक खुशबू निकल के आती है। हमारे पास मसाला के काफ़ी सारे रेंज भी थे, काफ़ी कस्टमर ने हमारा मसाला यूज़ भी किया और बेटर रिजल्ट हमारे मसाला अगरबत्ती का है। और इसी के साथ में इसके फ्रेगनेंस कुछ मसाला टोन से मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे। जब भी जलेगी तो मसाला की यूनिक एक अलग खुशबू होती है, सो उसी तरीके से इसके फ्रेगनेंस भी आएंगे। और वुड्स के मसाला अगरबत्ती आपने ट्राई किए होंगे, मैंने एक रिव्यूज़ वीडियो डाली थी बहुत पहले जिसमें साइकिल प्योर का था और कुछ कुछ कंपनियों का भी वुड्स की फ्रेगनेंस के बारे में मैंने अपने आपको बताया था। वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल के जो लिस्ट है नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पुरानी वीडियो है वो। आगे बढ़ते हैं इसके फ्रेगनेंस के बारे में। इसके टॉप नोट्स तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वुडीस नोट आपको देखने को मिलेगा, बेस नोट आपको आएगा थोड़ा सा मतलब माइल्ड फ्रेगनेंस, जिसको बोलते हैं ना कि जब हम चीज़ों को जलाएंगे, जलाने पर इसकी फ्रेगनेंस एग्जैक्ट टाइम में नहीं आएगी। मतलब मैंने जैसे बताया पीछे भारतवासी में एक स्टिक जलाने लगाने पर आपको तुरंत स्मेल की पता लग जाएगी, मतलब दिमाग में वो हीट करेगा। तो ये जो फ्रेगनेंस है ये माइल्ड फ्रेगनेंस होती है, मतलब जब इसे हम जलाएंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद फ्रेगनेंस आपको धीमी धीमी आने लगेगी। मतलब एक हल्की खुशबू के साथ में इसकी लास्टिंग हल्की है, मतलब लास्टिंग कम हो जाएगी ऐसी नहीं, वो फैलेगा और फैलेगा तो उसकी खुशबू जो है और अच्छे से जो है आपको देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये था, जो कि इसके जो मिडिल नोट है वो देखने को मिल रहे हैं। और नीचे जो है इसके बेस नोट का मैं बात करूं तो वो नॉर्मल, जिस तरीके से हमारे जो फ्रेगनेंस का बेस जिसमें मोनिकल्स यूज होते हैं वो उतना आपको देखने को मिलेगा। और है तो एक एकदम यूनिक परफ्यूम्स वुड्स, और इसे आप ट्राई कर सकते हैं और एक अपना रिव्यूज़ आप दे सकते हैं कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। और इसके बेसिक डिटेल के लिए भी आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये हमारा एक यूनिक परफ्यूम मैं बोलूँ वुड्स, काफ़ी सारे कस्टमर ने इसे ट्राई भी किया और अभी भी वो कंटिन्यूज इसे ले रहे हैं और अपने काम में लगा रहे हैं, बिल्कुल अपने अगरबत्तियाँ एक बेटर क्वालिटी में वो बना रहे हैं और रिजल्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है। मतलब एज अ हमारे जो सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसमें जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारे निकल के आते हैं, उसमें वुड्स का नाम भी बिल्कुल शामिल है और ये काफ़ी सारे कस्टमर्स का एक बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट भी बना हुआ है। हालांकि इसके वीडियोस आपको लेट में मिल रहे हैं, थोड़े देरी से मिल रहे हैं, और इसे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके बेस डाइल्यूशन क्या होंगे, प्राइस डिटेल क्या होगा, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और काफ़ी सारे नए नए पुराने परफ्यूम्स के रिव्यूज़ वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप बिल्कुल चेकआउट करके उसके डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।